हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवानी खंडेवा एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल ब्लॉग्स टू मेक थिंक में। और साथ ही मैं आपका स्वागत करती हूँ आओ अतीत में चले के इस एपिसोड में। लग्न झिलाने के बाद विवाह वाले दोनों परिवारों में मेहमानों और पावनियों का आनंद शुरू हो जाता था। पावनी में परिवार के जवाई कंवर साहब जैसे जीजा जी एवं फूफा जी आते हैं और पावनियों में शादीशुदा बहन और बेटी आती है। फ्रेंड्स, अतीत में हमारी बहन बेटियां विवाह में तब तक नहीं आती थी जब तक कोई लनिहार यानी व्यक्तिगत भाई साथ लेकर आने वाला भाई न लेने जाए। लनिहार के आए बिना पावनी नहीं आती थी। यह एक मान सम्मान आदर सत्कार की परंपरा रीति रिवाज संस्कार और संस्कृति थी जो हमें यह सिखाती थी कि हमारी बहन बेटियां बुआ लेन देन की भूखी नहीं सिर्फ मान मनुहार सम्मान की भूखी है। उचित समय पर उचित मान सम्मान उन्हें और उनके पति को मिलना चाहिए। इसीलिए ही पावनियों को सम्मान से लेने जाने की लनिहाल भेजने का रिवाज था। बहन बेटियां जब अपने पीहल में पावनी बनकर आती थीं, तो अपने साथ आंगड़ी या अंगारखड़ी लेकर आती थीं, अर्थात कुछ शगुन की मिठाइयां वह साथ में लेकर आती थीं। पावनियों के घर में आते ही मानो ऐसा लगता जैसे स्वर्ग की अप्सराएं घर में आ गई हो और घर आंगन में जो खुशियां फैलती थी उसका वर्णन शब्दों में किया जाना संभव नहीं था। मात्र पावनी के घर में आने और बच्चों का उत्साह माता पिता की आंखों में खुशियों की चमक को देखने की मात्र कल्पना का एहसास किया जा सकता है। आप उस एहसास को लेने की कोशिश करें। जल्द ही हम मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ में। थैंक यू।